ओके चिल्ड्रन, इन थर्ड सेक्शन मोस्टली पेमेंट पेड एंड रिसीव्ड दैट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर. इन फर्स्ट वन कैपिटल एंड बैंक रिलेटेड एंड ड्राइंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन आई एक्सप्लेन यू. इन सेकेंड वन परचेज एंड सेल्स एंड ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ओके एंड नाउ इन थर्ड वन द डिफरेंट payment or whatever we receive or receivable, we are talking about that. See here now, paid salary to Mohan rupees 500. Normally, बच्चे जो गलती करते हैं मैं वो बता रहा हूँ. यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब कोई पूछे क्यों, तो बोले मोहन इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो मोहन को हमने डेबिट कर दिया. नो, दिस मिस्टेक यू आर नॉट सपोज टू डू. You are paying the salary, so salary is your expense. Okay, and salary is, that's why nominal account, all expense and losses to be debited. So here salary you will be debited. Salary account debit. Now you are paying the salary, so what form salary is going? Salary is going in the form of cash. Cash is real account. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्या करो, क्रेडिट करो. ओके, सो टू कैश. ओके, नरेशन इज योर बी पेड सैलरी. ओके ठीक है. नाउ हाउ मच अमाउंट, 500 रुपीज. You write 500 rupees like this way. Dusra dekho, paid commission to Kamal. Kamal ko commission pay kiya 5000 from bank. Lekin bank se liya, yani ki aapne usko check pay kiya. Again you are paying the commission. No doubt, Kamal is a receiver here. Lekin hum iska naam nahi likhenge. Humne jo pay kiya hai, that is the commission. So we will debit here commission account. Okay, now cash is not going. Bank is the giver. Credit the giver to bank account. Okay, being paid commission. Amount is 5000. So here you write 5000. Is it clear? तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होंगी, दिमाग में जो है आपको रखनी पड़ेगी बराबर से. अब आप किस टाइप से पेमेंट, अगर आप जो भी आपका एक्सपेंस है, सैलरी है, कमीशन है, रेंट है, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, जो भी आपका खर्चा है, दैट ऑल विल बी डेबिटेड. अगर कैश पे कर रहे हो तो कैश क्रेडिट होगा, और बैंक से दे रहे हो तो बैंक क्रेडिट होगा. इतना याद रखना. Is it clear? So that one you have to keep in your mind. ये आपके दिमाग में रखना है. Next, अब इसकी एंटी एंट्री आ रही है, उल्टा. यहाँ पे आप पे कर रहे थे, now you are receiving. अब आप रिसीव कर रहे हो. Okay, so see here, received commission from Sheila rupees 700. अब आपने कमीशन जब रिसीव किया तो क्या आया आपके पास में, यू रिसीव कैश. ओके, सो आप यहाँ पर अब कैश अकाउंट डेबिट करो. रियल अकाउंट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन. ओके, नाउ गिवर का नाम नहीं लिखना है, बराबर है. आपने क्या मिला, आपको कमीशन मिला. किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में. कमीशन अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके लिए इनकम हो गई. नॉमिनल अकाउंट है, ऑल प्रॉफिट एंड गेन टू बी क्रेडिटेड. सो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. देखो बिल्कुल एग्जैक्ट इसका उल्टा हो जाएगा. जब आप पेमेंट कर रहे थे तो कैश देखो क्रेडिट था, जब आप रिसीव कर रहे हो तो कैश यहां पे क्या हो गया, डेबिट हो गया, बराबर है. बी कमीशन रिसीव. ओके ठीक है, हम लोगों ने कमीशन रिसीव किया. नेक्स्ट फोर्थ, received rent from Ram
रामलाल रुपीज 1200 बाई चेक। अब रेंट रिसीव किया रामलाल ने दिया, लेकिन चेक के थ्रू आ रहा है तो पैसा कौन रिसीव करेगा? बैंक रिसीव करेगा। जैसे यहाँ पे आप कैश डेबिट कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या आया आपके पास में यहाँ पे? अब रेंट आया, रेंट बिकम योर इनकम। ओके टू रेंट, ओके वी रिसीव रेंट, ओके यहाँ पे सॉरी 700 कितना रह गया, ओके और यहाँ पर कितना हो गया 1200, 1200 एंड दिस इज द वे एंड पैटर्न टू डू इट। आपको इस तरह से जो है एंट्रीज पास ऑन करनी है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी दूसरी एंट्रीज में पीडीएफ में भेजूंगा, उसकी प्रैक्टिस करना। एंड एट द सेम टाइम इसके बाद में आपको दो टाइप की एंट्री और रह जाती है, जब कोई गुड्स लॉस हो जाता है, जैसे थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, बराबर है, और दूसरा आप लोन जब लेते हो तो उससे रिलेटेड एंट्रीज कैसी आती है, वी विल टॉक अबाउट दैट। उसके बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे, और यहाँ पर हम लोगों का जो है उसके बाद में एंटायर जर्नल पार्ट पूरा होगा। आफ्टर दैट मैं आप लोगों को एक मिक्स पार्ट पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके दूंगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अपने अभी दो वीडियो और इसके बनेंगे और तब जाके आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ओके बाय, सी यू।